सो वेलकम टू विजन एक्स अपडेट्स एंड भाई ये वाली न्यूज़ शायद से मैं सबसे पहले कवर कर रहा हूँ, बट स्टिल अगर कर रहा हूँ सो यार एक सब्सक्राइब कर देना बिकॉज भाई अभी एक और वीडियो आने वाली है एंड दो दो वीडियोज़ निकाल रहा हूँ एक दिन में एंड हमारे 50K सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं। सो इफ़ यू अप्रिशिएट द हार्ड वर्क भाई एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड अब बात कर लेते हैं हमारी मेन न्यूज़ को लेकर के। सो मेन न्यूज़ ये है कि भैया आप सभी को पता होगा जो टीम 247 की पूजा थी उसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा हैकिंग एलिगेशन लग रहे थे। स्काउट ने रिएक्ट किया था, मॉर्टल ने रिएक्ट किया था एंड भी बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया था हैकिंग वाले मैटर के ऊपर, बट स्टिल फिर बाद में लोगों ने कह दिया था कि भैया टीम 247 हैक नहीं कर रही है क्योंकि वो जो डेथ रिप्ले था उसको लोग कह रहे थे कि भैया वो डेथ रिप्ले का ग्लिच है, इसलिए जो स्प्रे का जो ट्रांसफर था वो अच्छे से दिखा नहीं। एंड मतलब बहुत सारे लोग टीम 247 को मतलब डिफेंड वगैरह कर रहे थे एंड ये चीज़ कह रहे थे कि जो BGIS का सेमीफाइनल चल रहा है उसमें जो टीम 247 है वो एट द बॉटम चल रही है, #24th में थी मेरे ख्याल से। सो ये जो इतना लो परफॉर्म कर रही थी टीम 247 एंड मतलब हैक वगैरह कर रही होती तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टॉप वगैरह में होती। इस चीज को लेकर के मतलब लोग डिफेंड कर रहे थे टीम 247 को कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म तो कर नहीं रही है, अगर हैक लगाया होता तो अच्छा परफॉर्म करती। बट अगर मैं आपको बताऊं कि टीम 247 हैक कर रही थी सो आपका रिएक्शन क्या होगा? सो क्लच गॉड ने अभी अभी स्टोरी डाले अपने इंस्टाग्राम पे एंड ये चीज लिखी है कि जो टीम 247 वेस्ट टीम वेस्ट पीपल वन प्लेयर फ्रॉम 247 बैंड इन ऑफिशियल मैच ऑफ BGIS एंड ये चीज डाली गई है क्लच गॉड के द्वारा इंस्टाग्राम पे। एंड मैंने अभी ये जो टीम 247 के प्लेयर्स हैं उनका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया है, वहाँ पे अभी कोई अप्रोप्रिएट रिप्लाई नहीं आया है, बट स्टिल थोड़े थोड़े लोग अभी भी टीम 247 को डिफेंड कर रहे हैं कि जैसे कि मतलब जो BGMI के जो लोग होते हैं वो मतलब बड़े बड़े ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के जो अकाउंट्स होते हैं उसको बैन कर देते हैं, लाइक सविता का अकाउंट बैन हुआ था, एस पावर का अकाउंट बैन हुआ था एंड बहुत सारे लोगों के जो अकाउंट है वो बैन वगैरह होते रहते हैं। सो इस चीज़ को लेकर के लोग डिफेंड कर रहे हैं कि भैया टीम 247 का भी वैसे बैन कर दिया होगा, हैक वगैरह नहीं होगा, अभी भी लोग डिफेंड कर रहे हैं। सो आप क्या सोचते हो इस वाले मैटर में भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड आप सभी को पता होगा कि जैसे ये जो टीम 247 थी एंड जो टीम फॉरएवर थी इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चला था क्योंकि जो टीम फॉरएवर के सवितार थे उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम पर भी क्लियरली ये बोला था कि जो टीम 247 है वो हैक कर रही है। एंड आप सभी को पता होगा जो सवितार है उन्होंने ये चीज़ भी बोली थी कि उन्होंने बहुत सारे हैकिंग के जो प्रूफ्स होते हैं दूसरी टीम के अगेंस्ट में वो मैनेजमेंट को दिए थे, बट जो मैनेजमेंट थी ये सारे प्रूफ्स को इग्नोर कर रही थी। सो इस चीज़ को लेकर के टीम फॉरएवर जो थी वो BGMI की मैनेजमेंट एंड BGIS की मैनेजमेंट में गुस्सा थी। सो अभी जो टीम फॉरएवर के एक प्लेयर है मैक्स काश उन्होंने स्टोरी डाली है एंड वहाँ पे BGIS की मैनेजमेंट को भी ट्रोल किया है एंड जो टीम 247 के प्लेयर थे उनको भी रिप्लाई दिया है एंड ये चीज़ लिखी है कि ले BGMI ऑफिशियल्स टीम 247 कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन क्वालिफाइंग एंड नीचे लिखा हुआ है ले 247 प्लेयर गेट्स रियल टाइम बैन इन BGMI ऑफिशियल टूर्नामेंट इन सेमीफाइनल्स। सो मैक्स काश का रिप्लाई आपने देख लिया। सो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है सो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बता देना कि क्या मतलब असली में टीम 247 का कोई प्लेयर हैक कर रहा था सेमीफाइनल्स में? आप क्या सोचते हो? आपके ओपिनियंस मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। पीस आउट एंड साइनिंग आउट।